Hello guys, welcome back to my channel. I hope you are doing good. I am Pragati. So guys, in today's video we are going to watch a post interval scene from the movie Sarai Nadu, and this is the movie from one of my favorite actor Allu Arjun sir. So inki movie jab bhi maine dekhni hoti hai, matlab inka jab bhi main video leke aati hu to main bahut excited hoti hu. So chalo milkar dekhte hain wala scene kaisa hai. But before that, agar aapne channel ko subscribe nahi kiya hai so please do subscribe to my channel, also press the bell icon taki aage ki videos ke aapko on time notifications aate rahe. Aur Allu Arjun ki और भी कितनी मतलब जो भी मूवीज़ हैं उनके कौन कौन सीन पर आप रिएक्शन देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. और अब तक जो मैंने इनके सीन पर रिएक्ट किया हुआ है उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, प्लीज़ गो एंड चेक आउट. सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. क्या रिपोर्ट है? हम लड़की को उठा लाए सर, 6 घंटे हो गए पर वहां से कोई जवाब नहीं आया. इसका मतलब रस्सी जल गई पर बल नहीं गया. लड़की को खत्म कर दो तब ही मानेगा. वाओ अंकल, मैं टल्ली तो नहीं लग रहा? अरे आठ पैक में कोई टल्ली थोड़ी होता है. कौन है तू? मैं रेड्डी के घर को ढूंढ रहा था. यहाँ बुलबुल रेड्डी रहते हैं क्या? कोई बुलबुल रेड्डी नहीं है, वो बुल रेड्डी रहता है इधर, मेरा बॉस है वो. एक्चुअली मैं शहर से आया था शादी के लिए लड़की देखने. पता चला लड़की यहाँ पर है तो उससे एक बार मिल लूं फिर चला जाऊंगा. ज्यादा शाना बनता है क्या? चुपचाप निकल ले. सर लगता है आपको मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है. लड़की को देखा तो आप मारेंगे पर लड़की को नहीं देखा तो घर पर पापा वाट लगाएंगे. पापा क्या करेंगे? कान पे बजा दिए बेचारे की. सबसे पहले तो पापा मुझे ऐसे ही पटके. इतना गुस्सा, बाप से ऊंची आवाज में बात करेगा. वो अपने पापा से कुछ ज्यादा ही डरता है. बैठ के शो देखते हैं. हथियार, अपने बाप को हथियार दिखाता है. इतना बड़ा हो गया तू, इतना बड़ा हो गया. निकल ले. पता है माँ के दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी? गलत बात है, हथियार नहीं उठाना चाहिए. वाह वाह, क्या निशाना लगाया देखो. ऐसी तो और भी कई खूबियां हैं. अच्छा, जो चीज बैल के गले में होनी चाहिए वो तेरे हाथ में क्यों है? बात कर रहे तुम बीच में क्यों? पिताजी ओह माय गॉड. मम्मी पापा सब याद आए. Amazing. मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमियों को मारने की? तेरी तो यहाँ ओबुल रेड्डी कौन है? बता. वो बैठा कहाँ छुपा के रखा उसे? कौन है ओबुल रेड्डी? वरना इसे मारता हूँ. अब सब चुपचाप ऊपर जा और लड़की को अच्छी तरह तैयार करके ला, मुझे उससे मिलना है.
चलो किसको। वैसे पहली बार लड़की देखने आया हूँ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए वरना। अरे ओ बुल, मैं तुझे ही बुला रहा हूँ, कहे इधर आ। ओबुल कौन ओबुल? OBUL हाथ पर इतना बड़ा लिखेगा तो अंधा भी पढ़ लेगा ना। बेचारा फंस गया। जब मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा, इसका मतलब पता है तुम्हें? You mean band? ना बोल। No idea. आइडिया मैं देता हूँ लड़की को लेकर। Okay, अभी लाया। धमाल कर दिया तुम्हें, लड़ता देख अपना सीना तो अब 56 इंच का हो गया। डांस हो या फाइट, कोई तुम्हारे नाखून भी नहीं छू सकता। रे बचपन से लेके आज तक मैंने तुम जैसा पीस नहीं देखा, ये रिश्ता तो अब डन डरा डन डन है। अब देखने की फॉर्मेलिटी कर लो और झट से हाँ भर दो। Wow, gorgeous. लड़की तो मुझे पसंद कर ही लेगी, कन्फर्म्ड। लिख लो। जानू, gorgeous. तुम्हें एक बात बताऊं, दिल करता है ऐसे ही देखता रहूं। ओ, बताना भूल गया, तुम्हारे पापा जेपी, मेरे पापा यूपी, मतलब उमापति, दोनों क्लासमेट्स थे। मैं और मेरे चाचा दोनों क्लासमेट्स हैं। मैं तुम्हें देखने मैं यहाँ आया ताकि तुम मुझे देखो। क्या इंट्रो था। एक छोटा सा इशू है, उसे 2 मिनट में सेट कर देता हूँ। लड़की की खातिरदारी घर की औरतें करती हैं। यहाँ औरतें नहीं है। चाचा अब बेटर लग रहा है ना, एक एक करके इंट्रो दो। दामा जी, मैं लड़की। अरे यार, ज्यादा कैरेक्टर में मत घुस, हाथ हटा। ससुर जी कहाँ हैं? क्या कहा? डैडी का कैरेक्टर? मेरी शादी नहीं हुई, टेक्निकल फॉल्ट है। दामा जी फॉर्म में हैं, उनके सामने डैडी बन जाओ, जाओ मेकअप में आओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, आई लव दैट। मैं कैरेक्टर में घुस जाता हूँ। रेडी बन गया डैडी। ससुर जी, मुझे जरा अपनी बेटी के बारे में कुछ बताइए। तुम्हारा मतलब क्वालिटीज? और क्या, मेरी बेटी हंसती है तो सर्दी आती है, मुस्कुराती है तो बारिश होती है, गुस्सा होती है तो गर्मी आती है। तुझे बेटी के बारे में पूछ रहा हूँ और तुम मौसम का पता है? एजुकेशन, टैलेंट, उसके शौक बता। नहीं पता। उम्र क्या है? जानता नहीं। चल नाम ही बता दे। मालूम नहीं। कितनी भाषाएं आती हैं? पता नहीं। इनको कैसे बताऊंगा, आज ही किडनैप किया है। धोती क्यों पकड़ रहा है? खुल के हाथ में आ गई है। क्या? धोती खुल गई है। धोती संभाल के बैठ जा। ससुर जी, आप बदसूरत है लेकिन बेटी ब्यूटीफुल है, ये रिश्ता फिक्स। चाचा, लेन देन की बात जरा। घर की ओर से जमीन के पेपर्स चाहिए। ये लेन देन कहाँ से आ गया? मैं कुछ नहीं देने वाला। आप चुप रहो जी, इतना अच्छा दामाद मिला है, हमारी बेटी को खुश रखेगा, जो मांगी दे दूँ। नहीं दूंगा। अगर आपने इनकार किया तो मैं अपने सारे कपड़े और जेवर इस पे निछावर कर दूंगी। लड़की देखी इसने, शादी करेगा ये, मैं दहेज नहीं देने वाला। तुझे लॉजिक चाहिए। चाचा, एंट्री के वक्त इनका बाप बना था, उसका रिप्ले करते हैं, तभी समझेगा ये। हाँ ठीक है। एजी, दामा जी वापस फॉर्म में आ रहे हैं, जल्दी कुछ कीजिए, दीजिए। अरे रिएक्शन देना बंद कर, कोई एक्शन कर। मेहनत का पैसा है, मम्मी से पापा आ रहा है, चोरी करके तो कमाया है। पहली बार किडनैपिंग का केस लिया और आज ये दिन देखना पड़ा। तेरे लिए बहुत फटके खाए, अब और नहीं खाएंगे। चल भाग पटक। आई ब्लेस यू माय चाइल्ड। चलने का वक्त हो गया, इनसे इजाजत लेते हैं। बिना शादी के मैं बेटी को विदा कैसे करूं? अच्छा, किसने कहा शादी नहीं हुई? लो, मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, आज से मैं इसे अपनी बीवी मानता हूं। जानो, चलो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात कदम साथ चल लिए, लो हो गई हमारी शादी। चलो घर चले। इंप्रेस्ड। तुम्हारे बेटी की विदाई हो रही है, रोगे नहीं? तो आज क्या सबक सीखा हमने? लड़की को किडनैप करो तो भी दहेज देना पड़ता है। समझदार। ओह
ओह माय गॉड दैट वाज हिलेरियस, मतलब आई कुडंट स्टॉप लाफिंग, इतना मज़ेदार कॉमेडी थी इसमें। आई मतलब अल्लू अर्जुन सर ऑन पॉइंट रहते हर एक चीज़ में, स्टाइल हो, एक्शन हो, कॉमेडी हो, क्या बोलूँ मैं उनके बारे में। सो मतलब जो सीन था ना, इतना फ़नी लगा मुझे। और जैसे ही रकुल प्रीत का किडनैप हो जाता है, उनको बचाने के लिए जनरली वो आते हैं यहाँ पे, और उनको बोलते हैं कि जैसे वो घर में एंट्री होती है ना, तो वहाँ पे जो उनकी पूरी फौज जमा होती है, बट वहाँ पे जो एक्शन दिखाया है, माई गॉड दैट वॉज अमेजिंग गाइज, बहुत ही ख़तरनाक एक्शन दिखाया हुआ है यहाँ पे। और मतलब ऐसी ऐसी पटकी दी है ना विलेन को कि मज़ा आ रहा था देखने में। और उसके बाद जब घर में एंट्री होती है, जो नाम भूल गई, गोकुल आई थिंक बंदे का नाम क्या था, जो विलेन का नाम था ना, मतलब उसको तो क्या धोया है वो बेचारा छुप जाता है, सोचता है कि मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा लूँगा, मैं नहीं बताऊँगा कि मैं कौन हूँ, बट उनको पता लग जाता है बिकॉज उसने रिंग पहनी होती है, उसमें बड़ा बड़ा नाम लिखा होता है। और सबसे फ़नी चीज़ लगी, वो पहले तो मार खा रहे होते हैं, उसके बाद बोलते हैं डैडी डैडी डैडी, वो बंदा बोलते हैं, वो मारते हैं उसको कि ज़्यादा अंग्रेज़ी झाड़ रहा है, उसके बाद पिताजी पिताजी करता है, वो फिर तो मुझे बहुत फ़नी लगा। उसके बाद फिर जब वो अपने बॉस के पास जाता है, कहता है कि डैडी मार रहे हैं, मतलब वो सीन मुझे बहुत फ़नी लगा, उसी के सामने जाके बोले डैडी मार रहे हैं, मतलब वहाँ भी मार खा लेता है अपने बॉस से, और अल्लू अर्जुन सर से भी बाहर मार खा के आया होता है, काफ़ी फ़नी सीन था। उसके बाद जो नई यहाँ पे चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, वो थी रकुल प्रीत मैम जब आ रही होती है, मतलब उनको बोलते हैं कि घर में औरतें जो है स्वागत करेंगी और लड़की को अच्छे से सजा के लेके आओ, तो वो स्टेज से जब चल के आ रहे होते हैं, दैट वॉज ब्यूटीफुल सीन, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। और उसके बाद वो बोलते हैं खाने की तैयारी और क्वालिटी बताओ, मतलब ये सारे जो भी सीन थे ना यहाँ के मुझे बहुत फ़नी लगे। और उसके बाद फिर जो घर की औरतें बोलते हैं और उनको सजा के पूरा साड़ी वाड़ी में, जितने भी वहाँ के विलन थे वो खड़े हो जाते हैं, उनकी लेडीज़ का रोल करते हैं, वो बहुत फ़नी था। दहेज वाला सीन आता है, वो बड़े मज़ेदार था। उसके बाद बड़े आसानी से उनको लेके चले जाते हैं अल्लू अर्जुन सर, और उसके बाद लास्ट मुझे बोलते हैं ना कि बेटी की विदाई हो रही, रोएगी नहीं, तो कितने फ़नी वे में रोते हैं, मतलब एवरीथिंग इस सीन में बहुत फ़नी थी, मज़ा आ गया देख के। आप लोग बताओ आपको ये सीन कैसा लगा है, पसंद आया है? सो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर।